नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज आपको लेकर चल रहा हूं मैं तपोवन में। जब तपोवन की बात होती होगी तो आपके जहन में आ रहा होगा ऋषिकुल, गुरुकुल, जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, ऋषिकुल जहां ऋषि शिक्षा लिया करते थे, और तपोवन वो वन जहां तपस्या होती है, तप होता है। लेकिन एक उम्र के पड़ाव के बाद व्यक्ति वहीं की उम्मीद करता है। वैसे भी हमारे नियम यही कहते हैं कि जब आप 60 वर्ष की उम्र में पहुंच जाए तो तपोवन की तरफ चल पड़िए। तो चलिए आज मैं भी आपको ले चलता हूं। मैं 60 का नहीं हुआ हूं, लेकिन जिनके साथ मैं चलूंगा वो 60 के होने वाले, डॉक्टर राजेश शर्मा साहब। सर नमस्कार। जी मनोज भैया, ये क्या है तपोवन? सर ये हम जहाँ पे हैं मनोज भैया, ये नर्मदा अपना अस्पताल का प्रांगण है, नर्मदा मैया का मंदिर है, और इसके आसपास जो है ये भूमि जो है, वैसे भी नर्मदा जी के किनारे की भूमि तपोभूमि कहते हैं, तो इसी के नाम पे जो कि नर्मदा जी का मंदिर है, तो यहाँ मेरा निवास स्थान है, इसका नाम मैंने तपोवन रखा है, क्योंकि जीवन तपस्या है। तपस्या का मतलब, तपोवन का मतलब संसार से विरक्ति नहीं होता, तपस्या का मतलब होता है त्याग के साथ में सेवा करना, उसे तपस्या कहते हैं। सब कह रहे हैं कि तपोवन का मतलब यही नहीं है कि आप एक उम्र के पड़ाव के बाद तपोवन की तरफ पहुंच जाए, लेकिन आप देखिए मैं आ गया हूं तपोवन में। हमारे वेद में जो जीवन है उसे चार आश्रम में बांटा गया है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम है, एक वानप्रस्थ है, और एक संन्यास आश्रम, ऐसा कहा जाता है। तो उस वक्त उम्र अगर 100 वर्ष की थी तो 25-25 वर्ष के आश्रम थे ये। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब केवल और केवल विद्या ग्रहण करना, ज्ञान अर्जित करना, और गृहस्थ आश्रम में मतलब कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी करना, परिवार बनाना। और 25 से 50 साल का जो अनुभव होता है जीवन में, गलतियां करके सीखना, अनुभव लेना, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वन की और उसका कोई इशारा नहीं है। वानप्रस्थ मतलब यह है कि अब आप विशेषज्ञ की भूमिका में हो, अब आपने जो गृहस्थ आश्रम में जो सीखा है उसे लौटाना है समाज में। तो ये मेरा जो है वानप्रस्थ आश्रम है, मैंने आज 59 कंप्लीट किए हैं। जीवन में बहुत कुछ सीखा है, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, अब उसे मैं कैसे लौटाऊं समाज में सेवा के रूप में। ये तपोवन की कल्पना कहाँ से आई, आखिर ये क्या है? रीज़न है इसका मनोज भाई, अगर मैं आपको कहूँ कि ये बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइंड है। ये आज की अगर हम साइंस को देखते हैं तो धीरे धीरे साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म की दूरी कम होते जा रही है। अध्यात्म तो हज़ारों वर्ष पुराना है, साइंस तो 200-400-500 साल पुरानी है, लेकिन धीरे धीरे जो है जो ऊर्जा का जो संचार है, ऊर्जा ही एनर्जी एंड मैटर, आइंस्टीन क्या कहते हैं कि मैटर तो कुछ है ही नहीं, स्थूल कुछ नहीं है, सब सूक्ष्म है, सब ऊर्जा है, ऊर्जा को साधना, योग इसी का नाम है। तो यहाँ ये मेरा निवास स्थान है। अब चूँकि मैं नर्मदापुरम में निवास करता हूँ मैं जी, है ना, और पीछे नर्मदा अपना अस्पताल भी है, तो ये मेरा निवास स्थान है। निवास स्थान का मतलब होता है कि हम जहाँ खड़े हैं इसे हम अंग्रेजी में ड्राइंग रूम बोलते हैं, है ना, हम देख सकते हैं, इन सोफों को देख सकते हैं, और यहाँ हमारे मित्र लोग आएंगे बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अंदर की तरफ जाते हैं, तो चूंकि ये घर में जो ड्राइंग रूम होता है उसमें एक फॉर्मल बैठक होती है जी। इसके बाद अगर कोई मेहमान अंदर बुलाना है किसको, तो हम अंदर की तरफ चलते हैं। इसको तैयार किया, पूरा पूरी तरह मिट्टी से तैयार किया हुआ है। इसमें 500-700-800 साल पहले कल्पना करें, जब सीमेंट नहीं था, लोहा नहीं था, ठीक है, और ईंटें नहीं थी, उस वक्त कैसा घर चलता होगा। ये तब का बनाया हुआ है, इसमें दीवारें लगभग 3 फीट मोटी हैं, पूर्ण रूप से जो है एलिमेंट्स का बना है, मिट्टी है, गारा है, भूसे की कली है, लकड़ी है, ये खाड़ी है तुअर की जिससे छत बनी है, और टोटल वाष्प प्रभावित है, पानी में एक बूंद नहीं आया मनोज भाई इसमें। अच्छा, एक तरह से कहा जाए तो पुराने दौर में आपने जो देखा होगा, जिस पुरातन संस्कृति की हम बात करते हैं, उसी तरह से इसको तैयार किया गया है, और पूरी तरह ऊपर खाड़ी जिसे, यानी तुअर, जो आपके घर में तुअर दाल पहुंचती है उससे निकली हुई जो लकड़ी होती है उसे खाड़ी कहते हैं, उस खाड़ी से बना हुआ है। दरवाजे और खिड़कियां भी आप देखिएगा कि इस तरह की खिड़कियां हैं, आप पूरी लकड़ी की खिड़कियां हैं, और इसकी तरह पूरा मिट्टी से बना हुआ है। ये कल्पना कैसे आ गई डॉक्टर साहब? जब यहाँ पे जो है, मैं पहले क्या था कि मैं मतलब हम भोपाल में, चूँकि ट्रॉमा सेंटर है मनोज भी आप जानते हैं जी जी, और ट्रॉमा सेंटर भी काम रहता है यहाँ पे, नर्मदा अपना अस्पताल है। जब ये निर्णय लिया है कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना है, अभी यहीं निवास मैं करूँगा,
तो मेरे मन में था कि मैं जो है गांव के जो आंगन मुझे बहुत अच्छे लगते थे जी, तो उस एलिमेंट से, ये पांच एलिमेंट हैं उसमें जो पृथ्वी एलिमेंट है उसका बड़ा महत्व है, तो साइंटिफिकली इसको मैंने ये बात की कि मुझे जो है गांव में जैसे घर बनते थे वैसे बनाना है। तो इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, मेरे ब्रदर इन लॉ होते हैं, उनसे मैंने जब डिस्कस किया तो उसने मेहनत करके, और जो आदिवासी क्षेत्र है सुक्तवा केसला वहाँ से उन्होंने जो है लेबर लेके, क्योंकि उनके भी घर ऐसे होते हैं, और उसके बाद जो है हम उनको बुला के और उन्होंने ये पूरा काम किया, पूरा ये हिस्सा जी। यहाँ जो देखते हैं यदि ये हमारा टॉयलेट है, देखिए इधर बात करते हैं, ये हमारा एक व्यक्तिगत कक्ष है। मैं दिखाना चाहूँगा आशीष, थोड़ा दिखाइएगा ये, जैसा आप देखिएगा कि जब यहाँ हम बात कर रहे हैं तो ये टॉयलेट पूरा आप देखिएगा पुराना, क्या इसके बारे में बताइए। ये एक कॉमन टॉयलेट है आशीष जी, और इसमें भी आपको देखेंगे जो है मॉडर्न फैसिलिटी जरूर है, फ्लश सिस्टम है, वाटर है, ठीक है, पानी के, और नीचे जो है पानी पूरा बह जाता है नीचे, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम बड़ा स्पेशली डिजाइंड है, पानी रुकता नहीं है कहीं पे भी, ठीक। और ऊपर में शावर भी जो लगा हुआ है वो इस तरह से लगा है जैसे झरने के नीचे आप खड़े हो जाएं, ठीक है, इसमें हाँ शावर है इसमें, आप देखिएगा कि शावर भी इसमें लगा हुआ है, यदि आप चाहें तो। ये किस तरह से शावर, जो जैसा लगा होता वैसे ही है या कुछ अलग होता है? इसमें स्पेशली डिजाइंड है, इसकी जो है सीक्रेसी है, आप कभी जब आगे रुकेंगे तो आपका स्नान जो है उस शावर के नीचे होगा मनोज भाई। ये व्यक्तिगत कक्षा है 1-to-1, ये देखिएगा आप, इसे बैठक रूम कैसे? बैठक रूम है, मतलब अगर मुझे किसी एकांत में किसी से बात करनी है जी, किसी मरीज से, किसी व्यक्ति विशेष से, छोटा सा कक्ष है 1-to-1 बात करने के लिए, जैसे कोई आते हैं, कोई बात करने के लिए आते हैं तो ये 1-to-1 बात करने के लिए है। तीसरे आश्रम की हम बात कर रहे थे, हाँ, फिर क्या हुआ, कैसे, मतलब ये मन में जो आपके कैसे आ गया कि अब मैं इस तरफ चल पड़ना चाहिए मुझे? मैं मनोज भाई मैं आपको बताऊं, अगर हमारे अगर भारत की बात करते हैं तो भारत देश में मैंने कैलकुलेशन निकाला कि लगभग जो हम 30 साल की उम्र में पिता बनते हैं जी, है ना, और हम जब 60 साल के होते हैं तो हमारा बेटा 30 साल का हो जाता है ना, 30 साल का बेटा मतलब वो घर संभालने लायक हो जाता है, अकल आ जाती है उसको, और उस वक्त आपका जो उत्तरदायित्व होता है उसको ट्रेन करना होता है। तो मेरे दो बेटे हैं वो US रिटर्न है, पढ़ के आ गए हैं, तो अब जो है घर का वातावरण और उनको शिक्षा देना और उसके बाद जो है उनको उन सब परेशानियों से बचाना, ये मेरा कर्तव्य है। जनरेशन गैप ना हो वो परिवार अच्छा माना जाता है। तो मेरा ऐसा मानना था कि मैं अब जो है बैठ के केवल और केवल बच्चों को वो सुझाव दूँ जिसको वो चाहते हैं, मानते हैं। और दूसरा जो है नर्मदापुरम में जो है ये कर्मभूमि है मेरी जी, तो मुझे लगता था कि अब जीवन का जो ये पड़ाव है ये मैं अब नर्मदापुरम में गुजारूं। यहाँ पास में ज़मीन भी है जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम, लगभग 100 एकड़ ज़मीन है जिसमें शुद्ध रूप से जैविक खेती करते हैं, वो भी पास में है, तो ये कर्मस्थली है, तो इसको जो है आगे निभाना है तो मुझे यहाँ पर रहना है। तो मैंने अपना निवास इस स्टाइल में बनाया कि मैं मॉडर्न नहीं बनाना चाहता था, बट ये एक पुरातन से और ज़मीन से जुड़ा हुआ एक आर्किटेक्ट है। आप जब यहाँ रहते हैं तो आपकी भावना, आपके विचार ऑटोमेटिकली एक अलग दिशा में आपको जो है ले जाते हैं। और दूसरा जो है नर्मदा मंदिर का किनारा है, शाम के समय घंटी बजती है, आरती होती है, तो एक सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचालन अपने आप होता रहता है। उम्र के जब 60 साल के पड़ाव पर आप पहुंच रहे हैं तो ऊर्जा का और संरक्षण का ऐसे या उसको पाने की एक विधि है? मनोज देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, ऊर्जा की बात करते हैं तो शारीरिक रूप से जो है, शारीरिक रूप से तो हम क्षीण होते हैं, जैसे जैसे हमारा जो है जो शरीर बड़ा होता है, मतलब आप 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का जी। 3 साल का बच्चा 1 साल के बच्चे से भिन्न होगा, ठीक है, 50 साल का बच्चा 40 साल के बच्चे से भिन्न होगा। तो अगर मैं ये बात कहूँ आपकी जो है कि 60 साल की उम्र में, मुझे लगता है कि 60 साल की उम्र वो होती है जिसमें आपका परिपक्व मानसिकता, बौद्धिकता हो जाती है, और शरीर के माध्यम से अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं जी, शरीर को, ठीक है, और 60 साल के बाद जब तक आप जो है इस दुनिया में हैं तब तक आपको जो है कोई निरोगी काय बनी रहे, ये मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट है, ये हैप्पीनेस मैनेजमेंट है, ये आना चाहिए। अक्सर 60 साल की उम्र में बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये जो हृदय, ये साधना कक्ष भी है तपोवन, यहाँ बैठ के हम जब बात करते हैं हम साधने की बात करते हैं, यहाँ बैठ के जो खाली समय में है मैं क्रिया योग करता हूँ मैं बैठ के, और मैंने देखा है कि भौतिकवादी जीवन जीने के लिए, भौतिकवादी जीवन में सफलता
का परचम लहराने के लिए आपकी एकाग्रता, आपका व्यक्तित्व, आपके मन में शांति, आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने संन्यास ले लिया, इसका मतलब है कि मैं तो और ज़्यादा भौतिकवादी हो रहा हूँ, मेरी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ रही हैं, उनको पूरा करने के लिए 60 साल की उम्र में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट पर जाऊँ तो बुरी बात है क्या? तपोवन में जब हम हैं तो आप तपस्या करेंगे, लेकिन तपस्या इसलिए कि और आगे बढ़ जाएं। हाँ, तपस्या क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, ठीक है, रावण ने तपस्या करी, क्यों? शिव जी को बस में कर लिया उसने, तो अगर ईश्वर को बस में करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये कौन सी जगह जिसे हम कहें, तो इसको कैसे हम बताना चाहेंगे? जो है, अगर हम इसको आधुनिक तौर पर देखते हैं तो ये लिविंग रूम है, वो ड्राइंग रूम था। अच्छा, है ना, ये लिविंग रूम है। यहाँ पे जो है ये सोफा दिख रहा है आपको, ये VIP कक्षा बैठते हैं, वहाँ पे हमारा डाइनिंग का एरिया है, वो जो वॉश बेसिन लगता है धोने का, वो जो है एरिया बना हुआ है, ठीक है। बाकी हमने प्राचीन तरीके से जैसा बनाया हुआ है, तो ये बड़ा कक्ष है, बड़ा कक्ष है। तो आप देखिएगा किस तरह इस पूरे रूम को, इसे ड्राइंग रूम हम कहेंगे, ड्राइंग रूम कहेंगे, लिविंग रूम कहेंगे, लिविंग रूम है, जिसमें जो है एक बैठक है प्लस इसमें डाइनिंग कम ड्राइंग दोनों है इसमें। तो इसमें डाइनिंग कम ड्राइंग दोनों है, लेकिन आप ड्राइंग और डाइनिंग की जब मन में विचार कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जैसा आपके घर में होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। जैसा मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ शायद मध्य प्रदेश में, डॉक्टर साहब, ये पहली जगह होगी। हाँ, मैंने मतलब सुना है, जो जितने भी हमारे मित्र बंधु आए हैं उन्होंने ऐसी कृति देखी नहीं कहीं पे, ऐसा कहीं देखा नहीं उन्होंने। तो मतलब ऊर्जा बढ़ा, क्लेम नहीं कर सकता कि ये मैंने कुछ चीज बना दी, लेकिन हाँ, जो भी लोग आ रहे हैं, जो उन गांव के लोग भी हैं, बड़े खुश हो रहे हैं देख के, बोले साहब ये तो कल्पना के परे है। तो डॉक्टर राजेश शर्मा के मन में हमेशा ये चलता रहा है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, जो जितना मैं आपको जानता हूं, मेरी उम्र से, मतलब जब मैं बहुत छोटा था तब से आपको मैंने देखा है, और आपने कुछ नया किया है। आज उम्र के 60 साल की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो भी फिर नया किया है। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि जीवन में कुछ पाना है तो नया करते चलिए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ कि इस प्लेनेट में मृत्यु लोक है। मैं जीवन को पैराबोले से बहुत ज़्यादा कंपेयर करता हूँ। पैराबोला का मतलब होता है जैसे हम पत्थर फेंकते हैं या कोई भी चीज़ को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर नहीं जाती है, जब वो यहाँ से 100% ऊर्जा के साथ जब फेंकते हैं तो धरातल के नज़दीक होती है वो, और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है, सबसे शीर्ष में जब पहुंच जाती है, सबसे शीर्ष में, तो उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। जब 100% ऊर्जा से हुई तो नीचे थी, वो ऊर्जा खत्म होते होते जब ऊपर जाती है तो यहाँ पे शून्य ऊर्जा है। अब उसका फॉल होना ज़रूरी है, या तो कोई झटके से गिरे या धीरे से गिरे। जब वो धीरे से जाती है तो पैराबोला बोलते हैं। जीवन का पैराबोला, चाहे बिजनेस हो, चाहे उम्र हो, कोई भी चीज़ हो आपकी, मनोज भाई, ये हमेशा आप देखिएगा जी। मैं इसको बहुत अच्छे से जीवन को पैराबोला के नज़दीक देखता हूँ। मैं यहाँ पे आगे जब आप जीवन के ऊर्जा शून्य होने जा रही है आप, लेकिन आप हो हाइट में, जीवन की हाइट में, यहाँ पे आके आपको जो है एक नई ऊर्जा चाहिए। ये नई ऊर्जा जो है इस तपोवन में मिलेगी। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मन में कहाँ से, मतलब ये विचार कहाँ से आ गया कि मैं इतना बड़ा ये तैयार कर दूंगा, ये मैं देख रहा हूँ कुटी मैंने देखी है, लेकिन ये कुटी नहीं है, ये तपोवन है। ये कुछ इस तरह के नमान नर्मदा की कृपा है मनोज भाई, मैं बनाने जाता हूँ छोटा, वो अपने आप बड़ा बन जाता है, इसका कारण मुझे नहीं पता। मैंने ये बड़ा बिल्कुल नहीं बनाया, बनाने तो छोटा ही गया था जी। लेकिन बन बड़ा गया। अब इसका प्रश्न जो है माँ नर्मदा देगी, मेरे हाथ में नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं, मैंने छोटा अस्पताल बनाना चाहा था, अस्पताल बड़ा बन गया, ठीक है। मैंने छोटी सी कुटी बनानी चाहिए थी, अब आप देख सकते हैं, ये अद्भुत चीज़ मेरे साथ होती है। इसलिए बोलता हूँ कि मेरे ऊपर असीम कृपा है माँ की, मैं चाहता कुछ हूँ और मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। अब ये कैसे, अब लोग सोच रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे तो लोगों को लग रहा होगा कि चाहते छोटा है मिल बड़ा जाता है, तो वो रास्ता तो बता दीजिए लोगों को कैसे मिलता है। मेरे पास नहीं है, ठीक है, इसका उत्तर केवल यह है कि निस्वार्थ सेवा, मुझे लगता है कि सेवा करें आप, क्योंकि अगर आप ये मान लेते हैं कि आप ईश्वर के वो संतान हैं, ये विश्वास है आपको कि ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा माध्यम बना के, तो आप मंदिर के ठेकेदार मत बनिए, आप मंदिर के पुजारी बनिए ना। मंदिर आपका नहीं है, प्रसाद जो चढ़ाते हैं भगत वो आपका नहीं है, आपको केवल उसमें से एक छोटा सा प्रसाद वहाँ रख के बाकी प्रसाद फूल के साथ लौटाना पड़ेगा। तो अगर आप समझते हो कि आप पुजारी हो जी, तो आपका मनोभाव जमीन से लगा रहता है, और आप बोलते हो कि ये तो मंदिर के ठेका हो गया, मैं तो ठेकेदार हो गया मंदिर का, तो फिर आपका जो है वो
जीवन जो है, आपको और जीवन लेने पड़ेंगे और सीखना पड़ेगा। तो ये ठेकेदारी आपने छोड़ दी, ठेका नहीं लेते? मैंने कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरा है, ये सच कहता हूँ। माँ के प्रांगण में खड़े हैं आज तक, मुझे नहीं लगता और लगना भी नहीं चाहिए कभी। मुझे लगता है कि मुझे माध्यम बना के ईश्वर मुझसे कुछ काम कराना चाहता है, इससे ज़्यादा भाव नहीं है। ये अमितांश है, ये अभी ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में जाने वाले हैं अभी। तो फिर आप तो तपोवन की तरफ चल पड़े, फिर ये क्या करेंगे? तपोवन का वही कहना चाहता हूँ मैं मनोज भाई, कि वानप्रस्थ का मतलब होता है कि मैंने जीवन से जो कुछ सीखा है वो मैं इनको दूँ। मैं कंसल्टेशन की भूमिका में, कंसल्टेंट की भूमिका हूँ मैं। अब मैं एग्जीक्यूशन में नहीं हूँ, मैं वर्कर नहीं हूँ। अब मैंने जो वर्क कर लिया, वो जो भी मैंने गलतियाँ करी, ये बच्चे वो गलतियाँ ना करें, तो वो जो लेसन है, टिप्स हैं, वो देने का काम वानप्रस्थ आश्रम में होता है। आप तो दूसरी जगह भी रहे, हिंदुस्तान से बाहर भी रहे, वहीं आपने पढ़ाई की जी। लेकिन आज आपके पापा जो है वो इस उम्र में पहुंच गए 60 साल की तरफ, लेकिन वो वानप्रस्थ में भी यही सोच रहा है कि ऊर्जा कुछ ऐसी करूं कि वो आपको मिलता रहे जी। लेकिन ये जो नया कंसेप्ट है इस तरह का, इसे आपकी दृष्टि से मैं समझना चाहूँगा, इसे कैसा देख रहे हैं? इसे मैं तो पहले ये बोलना चाहूँगा कि मैं पिछले 5 साल से US में था, और उसके पहले बोर्डिंग स्कूल में था, बहुत सारी कंट्रीज़ देखी, इंडिया में भी बहुत सारी जगह देखी। लोग बात करते हैं कि रिट्रीट होना चाहिए, रिट्रीट में थोड़ा सा विलेज टूरिज़्म की बात करते हैं, रूरल टूरिज़्म की बात करते हैं, मेडिकल टूरिज़्म भी है। लेकिन ये जो बाबा ने बनाया है पूरा तपोवन, ये मैंने कहीं नहीं देखा। चाहे आप US ले लो या कोई सी भी जगह ले लो, इसकी जो एनर्जी है और जितने प्यार से और जिस विजन से बाबा ने सारी चीज़ें बनाई हैं, वो मतलब जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप किसी से भी खड़े खड़े पूछ लीजिएगा, सब बोलेंगे कि ये तुमने ज़िंदगी भर में कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसी चीज़ हो सकती है। और ऐसा यूथ अगर मैं बात करूँ तो फिर ऑब्वियसली मेरे को अपीलिंग लगेगा, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई चीज़ देख रहा हूँ, तो जो चीज़ आपको पहली बार दिखती है उसमें आपको लगता है नहीं यार ये तो होना चाहिए। आप अपने अंदर ऊर्जा महसूस करें यहाँ आकर, मतलब एक ये माना जाए कि यहाँ आकर कुछ अलग लग रहा है? हाँ, यहाँ आके ऑब्वियसली अलग लग रहा है, नहीं तो इस टाइम तक तो मेरा रहता है कि यार काम वाम खत्म हो गया, घर पे बैठते हैं। लेकिन अब तक बाबा के साथ, उनके पीछे सारे फंक्शंस में और हमेशा साथ रहना, तो ये जगह की ऊर्जा ही कुछ और है, और वो पूरी ऊर्जा का जो सोर्स है वो बाबा है। सोर्स बताइए डॉक्टर साहब, सोर्स क्या है? सोर्स मेरा परिवार है, मेरे परिवार की बॉन्डिंग है, सच कहता हूँ, ये परिवार की ऊर्जा है। और सबके परिवार में ऊर्जा होती है, लेकिन परिवार के सारे सदस्य मिलके एक जो रिजोनेंस करते हैं, जो एक ऑर्केस्ट्रा बनता है ना, परिवार के सारे सदस्य अगर अपना अलग अलग वाद्य यंत्र बनाएंगे तो वो हल्ला होगा, वो संगीत नहीं होगा, वो हल्ला गुल्ला हो जाएगा। बहुत गजब बात कही आप। तो ये केवल मेरे परिवार की ऊर्जा है, मेरे परिवार का हारमोनी है, मेरे परिवार का ऑर्केस्ट्रा है, जहाँ से हमेशा संगीत में ऊर्जा निकलती है और वो तरह तरह के विचार लाती है, उससे क्रिएशन होता है और नई चीज़ें बनती हैं। तो अब अभी क्या आपने बनाया है तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन नीति जी, आप इसको यदि अपनी मैं उसमें समझूं, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, कहीं उसका आभास होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है, रियल उस पर बनाया, ऐसा नहीं है कि केवल दिखाने के पर्पज़ से या चीज़ों को मैनिपुलेट किया है, ओरिजिनल जो चीज़ है उसके हिसाब से बनाया है, जो भारत की संस्कृति है, और एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। यहाँ आके मुझे लगा कि मेरा भी एक ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो यही खासियत है इसकी, आपका जवाब मिल गया, वो कह रही कि मेरा भी ऐसा होना। नहीं, मैं तो धन्यवाद दूंगा बंसल चैनल को भी कि मनोज भाई आपका आना हुआ। आज मेरे लिए भी एक लेसन है कि हर व्यक्ति आके ये कहता है, जुड़ना चाहता है कि साहब हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। ये हो सकता है कि ये मंदिर में अभी आरती चल रही है, उसकी घंटियों की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का भी बहुत प्रभाव है। हो सकता है कि ये कहीं और बनता तो मुझे नहीं पता, बट मंदिर के पीछे बना है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, और वहाँ पे रह के जब आप बैठ के जब साधना करते हो, ध्यान करते हो, तो वो ऊर्जा और पल्वित होती है। वहाँ चलें हम ध्यान योग की तरफ, ध्यान की तरफ चलिए। तो ये इसमें कुल मिलाकर कितने, मतलब इसको मैं देखूँ ड्राइंग रूम में, 12,000 स्क्वायर फीट में बना है जी, लगभग 6 कक्ष हैं इसमें जी, और हम जहाँ जा रहे हैं मेरा व्यक्तिगत कक्ष है, ये ठीक मंदिर के सामने है, इसके सामने जो है शिव जी के दर्शन होते हैं। आप देखिएगा कितना खूबसूरत है कि सामने की तरफ आपको भगवान शिव यानी शिव ही वो हैं, कल्याणकारी कहा जाता है शिव को, और शिव के दर्शन आप करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आप वापस लौटेंगे, तो डॉक्टर साहब ये इस कंसेप्ट को मैं समझना चाहूँगा, उस तरफ ये मेरा स्थान है, यहाँ मैं विश्राम भी करता हूँ, मैं साधना भी करता हूँ, और वहाँ जैसे ही बैठते हैं तो सामने जो है आपके शिवलिंग दिखता है, वहाँ की ऊर्जा जो मैं महसूस करता हूँ। देखिए मनोज भाई, जो ऊर्जा आप देते हैं ना वही ऊर्जा वापस आती है,
ये दीवार पे जैसे गेंद मारते हैं गेंद वापस आती है, वैसे ही जैसा विचार जैसा भाव आप प्रकृति को देते हो वैसे वापस आता है। देखिए इसको कितना खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया, ये भी उसी तरह है, मतलब जैसे हम कहेंगे कि खाड़ी इसको कहा जाता है डॉक्टर साहब। ये तुअर की खाड़ी है, तुअर की जो फसल के बाद जो बस्ती है झाड़ी, और बहुत मजबूत होती है ये, बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ किस तरह से आप ध्यान योग करते हैं? क्रिया योग है, वो तो अभ्यास है, उसकी एक विधि है। जैसे हम ऑपरेशन करते हैं सीखते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं, वैसे जो क्रिया योग है उसकी विधि है, अभ्यास है। उसमें कुछ बंद हैं, कुछ हस्त मुद्राएं हैं, कुछ प्राणायाम के तरीके हैं, कुछ आसन हैं, अपनी ऊर्जा को साधना, विशेष केंद्रों पर साधना, ये होता है इसमें। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कुल कितना कितने यहाँ रूम हैं, क्या कहेंगे इसको, मतलब किस तरह से? मनोज जी ये लगभग 14,000 स्क्वायर फीट में बना है। एक सामान्यतः हम अगर आज घर बनाते हैं, मॉडर्न घर बनता है, एक ड्राइंग रूम है, आपने देखा ड्राइंग रूम है, एक पर्सनल स्टडी रूम है तो पर्सनल स्टडी रूम है, एक लिविंग रूम है जो बताया, जिसमें कि मैंने उसको एक विशेष अतिथियों के लिए बैठने के लिए बोला है, लिविंग है और डाइनिंग है। उसके बाद एक गेस्ट रूम है, तो गेस्ट रूम देखा, ये मेरा एक व्यक्तिगत कक्ष है मेरा खुद का, इसे हम मास्टर्स बेडरूम बोल सकते हैं। सब में अटैच्ड टॉयलेट की फैसिलिटी दी हुई है। और अब हम जहाँ जा रहे हैं, चूँकि साथ अस्पताल भी है और बाकी मेरे सोशल एक्टिविटीज़ भी है, तो ये सो कॉल्ड कॉरपोरेट ऑफिस है, या इसको बैठक बोल रहे हैं, ये कार्यालय बोल रहे हैं, तो हम उस तरफ प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो गैलरी है, जो लंबा आपको जो दिख रहा है, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, सुबह के समय जो है इसकी एक अलग ऊर्जा होती है। और खास करके जहाँ हम चल रहे हैं, ये जो मिट्टी है, आपको आभास हो रहा होगा कि हम चल रहे हैं तो हल्का सा इसमें स्पंजीनेस आ रही है, तो इसमें वॉक करने से कभी घुटनों में परेशानी नहीं आती। जैसे आज के युग में हो ना, कि हम जो है चूँकि जगह नहीं है तो हम ट्रेडमिल करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 40 साल 50 साल के बाद में ट्रेडमिल पे हमको नहीं चलना चाहिए। इसलिए नहीं चलना चाहिए कि हम नॉर्मल वॉक करें, एक गार्डन में वॉक करें, डामर की रोड पे वॉक ना करें। और ट्रेडमिल में क्या होता है कि ट्रेडमिल की जो रबर ऐसे आती है, आप हर बार उसके अगेंस्ट में जाते हो, हर बार जो है एक बार जाके आपके माइक्रो इंजरीज नी में होती है, कार्टिलेज में। और ये जो जगह है जो दिख रही है मिट्टी की जगह, यहाँ पे कितना भी वॉक करेंगे आपके नी को इंजरी नहीं होगी। ये बैठक है जो मैंने बताई आपको, अभी हमने इसको जो है जो हमारा नर्मदा युवा स्वावलंबन केंद्र आज हमने जो लोकार्पित किया है जी। तो अभी फिलहाल उसका ऑफिस है ये। हाँ, मतलब जो युवा है वो स्वावलंबित कैसे हो उसकी बात हो। जैसे हमारी जो चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोदी जी हैं, मोदी जी देखा होगा आपने आने के बाद में कैसे हमको जो है अपने पैरों पे खड़े होना है। मोदी जी ये कहते हैं कि नौकरी की तलाश करने से बेहतर है कि आप अपने आप में वो सामर्थ्य पैदा करें कि हम नौकरी दे सकें। चाहे स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है जी, ठीक है, वोकल फॉर लोकल वाली बात करते हैं। और वैसे भी केंद्र की बहुत सी योजनाएं हैं, स्वरोजगार निधि मिलती है, यूथ को जो है ईजिली जो है लोन अवेलेबल होता है, उनको रास्ते दिखाए जाते हैं। तो हमारी बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हमको पता ही नहीं होती। तो यहाँ पे काउंसलर्स आएंगे, यहाँ पे जो कैरियर काउंसलर्स हैं यूथ को रास्ता दिखाने के लिए, 12वीं के बाद कहाँ जाएं, ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाएं, कितने रास्ते हैं, आपको अपना स्वावलंबन है बेसिकली, सेल्फ मेड। मतलब आधुनिकता के साथ ये पुरातन संस्कृति का ऐसा फार्मूला है जो डॉक्टर राय शर्मा देने जा रहे हैं। आधुनिकता मतलब भौतिकवादी जो सोच है उसको आधुनिकता मैं नहीं कहता। वो तो जो है एक अनपढ़ भी अगर पैसे कमा लेता है तो अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी और ये सब चीज़ें जी सकता है, ऐश्वर्य जी सकता है, लेकिन वो अच्छा जीवन नहीं है। अच्छा जीवन नहीं है, सफल जीवन वो है जो सेवा में समर्पित होता है। और सेवा वही कर सकता है जो ताकतवर होता है, सेवा तो वही कर सकता है, तो वो ताकत कैसे मिले, ये जो पूरा जो देख रहे हैं, साधना से, साधना से वो ताकत मिलती है, तपस्या से ताकत मिलती है, और तपोवन वो ताकत देगा। चलिए तो मेरे भी समझ आ गया पूरा कंसेप्ट, तपोवन से मैंने यहीं से यात्रा अपनी प्रारंभ की थी और ये यात्रा यहीं संपन्न होती है। लेकिन जीवन की यात्रा बड़ी अनंत है, चलते रहिए चलते रहिए। जीवन में जो तीन मार्ग बताए गए, तीन आश्रम बताए गए, उनका पालन करिए। डॉक्टर राजेश शर्मा ने समझ लिया और इनके साथ मैंने भी समझ लिया, अब आप समझेंगे तो बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि यदि तपोवन में कभी आप आ गए, आपको मौका मिला, तो शायद ज़रूर आप कह पाएंगे कि यही तो जीवन है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। तो चलिए तपोवन में इतना ही, मुझे और मेरे सहयोगी आशीष को दी इजाज़त, नमस्कार।